सब खैरियत से होंगे, अल्लाह करे सबको सेहत से नवाजे, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग किट में ज़बरदस्त सी रेसिपीज लेके आए हैं। आम के दिन हैं तो आमरस और पूरी और आलू की सब्ज़ी तो बनती है, नाश्ते में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी बन के रेडी होती है रेसिपी। और आमरस पूरी तो बेस्ट है, बहुत अच्छी दिखती, ज़रूर ट्राई करिए। चले वन बाय वन मैं रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आलू को बॉईल कर ली, बॉईल करके बारीक कट करके रख ली छोटे छोटे पीसेस में। और सेकंड आम को भी, आम कटे हुए आम है इसको भी मैं बारीक पीसेस में कट कर ली, मैं इसको भी इसका भी आम रस बना लेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करेंगे वन बाय वन रेसिपीज बनाना। चलिए सबसे पहले अपन आम रस बना लेंगे, उसके लिए मैं एक जग ले ली, मैं जग में अपन कटे हुए आम डाल लेंगे। तकरीबन ये दो आम काटी में, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं आम। वन कप शक्कर डालेंगे, वन कप दूध डालेंगे। चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद बताऊंगी। चलिए आम रस बन के रेडी हो गए अपना माशाल्लाह से, देखिए। चलिए इसको एक बॉल में निकाल लूँगी मैं, नेक्स्ट आपको दूसरी आलू की सब्जी बनाना बताऊंगी। चलिए इसके लिए मैं एक टप ले ली, इसके लिए वन कप मैदा ले रही मैं, छान के रख ली पहले से। सिंपल अपन सिंपल रेसिपी में पूरी की भी, सबसे पहले अपन आलू की सब्जी बनाने से पहले अपन आटा भिगा लेंगे पूरी का आटा। इसके लिए मैं वन कप मैदा ले ली। सबसे पहले अपन सिंपल और इजी रेसिपी है ये पूरी की, बहुत आसानी से बन के रेडी होती है और बहुत अच्छे नरम मुलायम फूलते भी अच्छे अपने पूरियाँ। ये एक कप मैदा है, ये आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। आधा चम्मच सोडा डालेंगे इसमें, तेल ऐड करेंगे थोड़ा सा, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन चम्मच दही के डालेंगे, दही डालने से नरम होते अपनी पूरी, तीन चम्मच डालेंगे तकरीबन। चलिए अभी इसको अपना अच्छा घट आटा जैसा भिगाते हैं, उससे घट रहना पूरी का आटा, पूरी का आटा कभी भी घट रहना, घट रहे तो अच्छा फूलते पूरियाँ अपने, आटा नरम न रहना पूरी का। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपन आटा गूंद लेंगे। चलिए आटा अच्छी तरह से गूनेगा, देखिए अच्छा घट है आटा। चलिए इसको 5 से 10 मिनट्स तक रख देंगे रेस्ट के लिए, उसके बाद अपन जब तक आलू की सब्जी बना लेंगे। चलिए सबसे पहले फ्राई पैन रख ली, मैं गैस ऑन कर ली। सबसे पहले 3 से 4 टीस्पून तेल ऐड करेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले अपन राई डालेंगे, तकरीबन ये आधा चम्मच राई है, साथ ही इसमें करी पत्ता डाल देंगे। चलिए इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। चलिए इसके साथ ही अपन प्याज डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, तो खाली ट्रांसपेरेंट होना, लाइट कलर आना प्याज का बस उतना ही, पकाएंगे अपन प्याज को। चलिए प्याज अपनी रेडी हो गई। चलिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, अच्छी तरह से इसको पका लेंगे अदरक लहसुन को। एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करें, थोड़ी सर की हल्दी ऐड करें आधा चम्मच के जी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, हाफ कप के उतना पानी ऐड करें, ताकि मसाले जलते भी नहीं और अच्छी तरह से प्याज मसाले अच्छी तरह से पक जाते। चलिए इसके साथ ही अपन आलू बॉईल करे हुए डाल देंगे इसमें।
अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून के इतना नमक ऐड करेंगे। चलिए इसको 5 से 10 मिनट्स तक पकने के लिए रखेंगे मीडियम आंच पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी। इसके ऊपर कोथमीर ऐड कर देंगे। चलिए 5 से 10 मिनट्स पक चुके हैं। अपने आलू की सब्ज़ी रेडी है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हुई। बहुत इजी, बहुत आसान, पूरी के साथ बहुत अच्छी दिखती है सब्ज़ी। चलिए इसको साइड में रख लेंगे अब तक। चलिए पूरी की तैयारी कर लेंगे अब नेक्स्ट। चलिए पूरी का आटा भी रेडी है अपना। चलिए इसके पेड़े बना लेंगे। चलिए पेड़े रेडी हैं। थोड़ा सा अपन खुश्क लगा लिए हैं, आप चाहे तो तेल से भी बेल सकते हैं। चलिए इसको बेल लेंगे अपन अच्छी तरह से पूरी को, छोटे छोटे बेल लेंगे। चलिए अपनी पूरी बन के रेडी हुई। देखिए ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे। चलिए पूरे पूरियाँ ऐसे ही बेल लेकर रेडी कर लेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरे पूरियाँ बन के रेडी हो गए अपने। चलिए इसको फ्राई कर लेंगे अपन पूरियों को अच्छी तरह से। चलिए देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म हो गया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा तेल। जितना अच्छा तेल गर्म होगा पूरी अपनी उतनी अच्छी बन के रेडी होती, ज़रा भी तेल नहीं रहता पूरी में। चलिए आहिस्ते से छोड़ते जाएंगे पूरी अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन। माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह से पूरी और पूरी तो इसको पढ़ा लेंगे अपन एक साइड। चलिए ऐसे ही अपन पूरे पूरियाँ तल लेंगे। माशाल्लाह से अच्छी तरह से पूरियाँ अपने बन के रेडी हो रहे हैं। अच्छा अपन गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए कितनी अच्छी पूरी पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी पूरे पूरियाँ तल लेंगे अपन। अच्छा पूरे पूरे देखिए पूरियाँ हैं। चलिए अपने पूरियाँ भी रेडी हो गए। चलिए इसको सर्व करके बताऊंगी नेक्स्ट अपन। चलिए सबसे पहले अपन आलू की सब्ज़ी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह कितनी अच्छी बन के रेडी हुई। देखिए आलू की सब्ज़ी। चलिए आम रस भी निकाल लेंगे अपन। इसके ऊपर अपन मलाई या क्रीम जो भी आपका नहीं अवेलेबल है वो ऐड करिए आप। अपने पास कटे हुए पीसेस से आम के लिए रख दीजिए ऊपर। चलो आम रस पूरी सब रेडी है। चलिए देख सकते हैं सभी चीज़ें बन के रेडी हो गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने। पूरी भी देखिए आप कितनी नरम हुई। देखिए पूरी अच्छी नरम हुई पूरी, देखिए कितनी नरम हुई पूरी। देखिए अच्छी नरम मुलायम पूरी बन के रेडी हुई अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छी बनी पूरी। हम बस माशाल्लाह सबकी फेवरेट डिश है ये तो। चलिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन के रेडी हुई अपने। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिए। शब्बा खैर।